वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आ पहुंची हूँ भनवारटंग, जहाँ है मरही माता का मंदिर। यहाँ आने के लिए आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से भी आ सकते हैं, रोडवेज से भी और रेलवे से भी। तो मैं आज आई हूँ ट्रेन से यहाँ, और ट्रेन से उतरने के बाद थोड़ी दूर हमको चलना पड़ता है मंदिर जाने के लिए। और पहले ऐसा होता था कि मंदिर के पास ही ट्रेन रुक जाती थी, पर लॉकडाउन के बाद जो है स्टेशन पर ही ट्रेन जो है रुकती है। और हम चलते हुए जा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ जंगल है और कच्ची रास्ते, आपको थोड़ा दूर चलना पड़ेगा। मेक श्योर करें कि यहाँ आप जाएं तो अपने पानी की बॉटल और कुछ खाने का सामान अपने साथ लेकर के जाएं, क्योंकि अभी लॉकडाउन के बाद यहाँ ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम लोग गए थे तो बॉटल भूल गए थे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं टेम्पल के पास। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे छोटी छोटी सी 3-4 ठो शॉप्स है, जिसपे आपको नारियल, अगरबत्ती, फूल और कुछ प्रसाद के आइटम आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि हम संडे को गए थे। तो यदि आप जाना चाहते हैं तो आप वीकेंड्स अवॉइड कर सकते हैं, और बाकी अदर डेज में आप यहाँ पे जा सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं मंदिर, और यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। बाहर से ही आपको दिख रहे होंगे कुछ लोग, लेकिन अंदर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मन्नत के बहुत सारे नारियल जो हैं बंधे हुए हैं। और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ पूरा मंदिर परिसर। तो इधर जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो ऑरेंज वाला मंदिर है, ये है मरही माता का मेन मंदिर, और बाकी जो उधर है वो लाइन लगाने के लिए बना हुआ है। और यहाँ पर जो लोग बकरे रहते हैं वो लोगों ने वहाँ पर खड़े हुए थे। और दूसरी साइड पर यहाँ पर कुछ स्टैचूज हैं और दूसरे भगवान के, और साथ ही में इसी लेन में हैं और कुछ प्रसाद के छोटे छोटे से स्टॉल्स। तो यदि आप नहीं ले पाए हैं तो आप यहां से ले सकते हैं। और अपोजिट में उधर दूर में जो आप देख पा रहे होंगे वो है ज्योति कलश वाला, और ये मैं आपको दिखा देती हूँ भीड़, और फिर से मैं आपको दिखाती हूँ यहां पे आगे बढ़ के। तो ये है ज्योति कलश वाला, यहाँ पर ज्योति कलश जलती है। और चलिए लाइन में लग के हम भी दर्शन कर लेते हैं। दिस इज़ मी गाइज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया था और बहुत ही चिपक चिपक के खड़े हुए थे। 2 गज दूरी तो भूल ही जाओ, तो ट्राई करना कि वीकेंड्स पे ना जाओ आप। सो गाइज, बहुत देरी तक लाइन में खड़े होने के बाद मैंने कर लिया है दर्शन, और मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको भी क्लियरली मैं दिखा पाऊँ और दर्शन करवा पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे जो है मना कर रहे थे फ़ोटो खींचने के लिए खड़े होकर के। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो लोग बकरे यहाँ पे देते हैं, उन लोग यहाँ पे उनका कुछ प्रोसेस होता है वो कर रहे हैं। जो लोग खाना चाहते हैं वो खाते हैं, अदरवाइज़ जंगल में छोड़ दिए जाते हैं ये बकरे। और बहुत सारे बकरे थे यहाँ पे, आप देख मंदिर परिसर पर आपको बहुत सारे बकरे दिख जाएंगे यदि आप जाते हैं। सो गाइस, मंदिर परिसर के ही पास ये तालाब है, जो कि बहुत ही बड़ा है और बहुत ज़्यादा गहरा है, और साथ ही बरसात के मौसम होने के कारण अभी बहुत ही ब्यूटीफुल हो गया है। तो आप चाहें तो यहाँ पिकनिक मनाने आ सकते हैं। फॉर द थर्ड डेस्टिनेशन गाइज, हम जा रहे हैं यहाँ का झरना देखने के लिए। तो मंदिर वाले रास्ते के बगल से ये कच्ची रोड गई हुई है, वहाँ आप आगे बढ़ सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे पीछे मंदिर है, और आगे रास्ते में आपको बढ़ते रहना है। थोड़ा पथरीला रास्ता है और पूरा कच्चा रास्ता है। और मेक श्योर करें कि यदि आप गर्ल हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ ही इधर आएँ, क्योंकि बकरा यहाँ बहुत सारे लोग देते हैं और बहुत सारे लोग एल्कोहल भी कंज्यूम करते रहते हैं। सो फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं झरने के पास, और ये आप देख पा रहे हैं ये जो वाटर सोर्स है वही नीचे जाके झरना बनता है, और ये ऊपर का सीन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब हम लोग नीचे जाने वाले हैं और मैं आपको पूरा जो सीन है वो दिखाने वाली हूँ। यहीं से साइड से जगह से हम लोग गए थे, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है उतरना, पर यदि आप देखना चाहेंगे तो जा सकते हैं, और अभी तो बहुत ही ब्यूटीफुल था ये। सो फाइनली गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं साइड से ट्रैक करके हम नीचे उतर चुके हैं, और जो यहाँ पे रिजल्ट आया बहुत ही ब्यूटीफुल सा झरना। सो जस्ट एंजॉय द व्यू।